आप जान चुके हैं कि एम्पलीफायर से हम लोग सिग्नल को इनहेंस कर लेते हैं, एम्पलीफायर को हम लोग एम्पलीफिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली आपके जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनमें भी एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, उनसे भी आप छोटी सी आवाज़ को इतना ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं। साथ साथ आप लोगों ने बड़े बड़े डेस्क स्पीकर्स वगैरह लगाए होते हैं, उन स्पीकर से जो है आपकी आवाज़ जो है एम्पलीफायर हो जाती है। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि माइक में अगर कोई बंदा बोल रहा है तो वो माइक में तो बहुत ही कम आवाज़ से बोलता है, लेकिन उस माइक के साथ साथ लगे हुए ऑपरेटर्स और सर्किट के अंदर एम्पलीफायर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। एम्पलीफायर सर्किट उसके साथ लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ साथ, जो कि आपकी बोलने वाले बंदे की आवाज़ को जो कि बहुत ही छोटी सी होती है उसे माइक के थ्रू लगे हुए एम्पलीफायर्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देता है, और पूरी की पूरी पब्लिक को या जो लोग उस वक्त वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो एम्पलीफायर के थ्रू ही आपकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है एम्पलीफायर सर्किट से काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाती है। जैसे कि एम्पलीफायर के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि एम्पलीफायर किस तरीके से अपना काम करता है और किस तरीके से हमें वोल्टेज आउटपुट मिलती है, इसी तरीके से ये जो वोल्टेज गेन मिलती है इसे यूज़ करके हम लोगों ने एम्पलीफायर से आगे मजीद एम्पलीफायर्स के जो है सर्किट्स वगैरह बनाए हैं। एम्पलीफायर की एक टाइप जिसे हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो वोल्टेज गेन होता है, जो हमें वोल्टेज मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी होती है RIN जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हाई होती है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो है हमारे पास इस तरीके का इसका साइन बना होता है जो कि हम लोग एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए इसमें बनाते हैं। इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं। इन इनपुट टर्मिनल्स के साथ क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक आउटपुट टर्मिनल मिल जाता है, लेकिन इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि बेसिकली इस तरह का बना होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके साथ हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग कोई ना कोई वोल्टेज दे देते हैं, बातों का यानी कि इसकी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, डिफरेंट तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यहाँ पर लगा के इसे इस तरीके से ग्राउंड कर दिया जाता है। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर्स को हम लोग बहुत से तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इसे जो है हम लोग आउटपुट टर्मिनल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इसे हम लोग पॉजिटिव बायस सप्लाई एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या इसे हम लोग जो है नेगेटिव बायस सप्लाई टर्मिनल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की कि हम इसे इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टिंग आउटपुट टर्मिनल के तौर पर हम इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, ये इनपुट टर्मिनल आ गया, इसे हम लोग जो है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के फॉर्म में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसका साइन ये हो गया, ये हमारे पास उसका साइन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया होता है अपने इनपुट वायर्स को, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये हमारी इनपुट वायर्स होती हैं, और यहाँ से हम लोग एक आउटपुट वायर रखते हैं जिसे हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज गेन मिल जाता है। अब अगर हम लोगों ने इस जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसे यूज़ करना है एज अ इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर एक वी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये वी इनपुट वोल्टेज जो है हम इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं नेगेटिव वाले के साथ लगाकर, और अगर ये वी आउटपुट हमें इस तरीके से देता है कि ये 180 के फेज शिफ्ट पे हमें दे दे, मतलब कि जो हम लोगों ने एसी सिग्नल प्रोवाइड किया था इसे इनपुट के फॉर्म में हम लोगों ने नेगेटिव के कनेक्टेड किया है, अगर अब ये हमें इस तरीके से मिल जाए कि ये 180 के फेज शिफ्ट पे मिले, ये 180 का फेज शिफ्ट है ना, ये उस फेज शिफ्ट पे मिले, तो हम इसे कहते हैं कि ये वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब इस यूज़ किया गया है एज अ इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के तौर पे। लेकिन अगर मैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के तौर पर यूज़ करना चाहूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर मुझे एक आउटपुट टर्मिनल मिल जाता है, आउटपुट वोल्टेज यानी कि वोल्टेज गेन हम लोगों को इस तरीके से मिलता है। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अब अगर मुझे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से यूज़ करना है कि यहाँ पर मुझे नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि मैं इसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो जब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की बात की जाए तो नॉन इन्वर्टिंग से जाहिर है कि इसमें जो एसी सोर्स का सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा उसे ये वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इट इज ही प्रोवाइड कर देगा, उसमें कोई 180 का फेज शिफ्ट नहीं आएगा।
अब जब हमें नॉन इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल चाहिए होता है, ऐसा सिग्नल चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज तो प्रोवाइड कर देते हैं, ये हमारा वी इनपुट वोल्टेज है, जिसे हम किसके साथ प्रोवाइड करते हैं, प्लस वाले साइन के साथ, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव होता है उसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो हमें इसी तरीके से आउटपुट दे देगा, मतलब कि उसके इनपुट के सिग्नल और आउटपुट के सिग्नल में कोई भी 180 का फेज शिफ्ट नहीं आता, यहाँ पर जीरो फेज शिफ्ट आ जाता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, बल्कि जो क्रस्ट उस इनपुट टर्मिनल में था वही क्रस्ट यहाँ पर रहता है और क्रस्ट के बाद ही ड्रॉप आता है, मतलब कि हमारी जो साइकिल की डायरेक्शन है वो एज इट इज सेम ही रहती है। तो हम लोग जो है अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नॉन इनवर्टिंग और इनवर्टिंग जो है टर्मिनल के तौर पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मतलब इसकी खूबियाँ कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे इनपुट रेजिस्टेंस की, जो कि हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करते हैं, ये हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है। अब होता क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन यही वाली है, लेकिन अगर हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और ये हमारा जो है इनपुट वोल्टेज है, यानी कि हमारे अंदर वाले टर्मिनल है, तो क्या करते हैं कि हम लोग जो है अगर हम लोगों को यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो हम इनपुट रेजिस्टेंस इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इनके साथ ये हमारी इनपुट रेजिस्टेंस आ जाती है जो हम लोगों ने अप्लाई की है। इस इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये काफ़ी ज़्यादा मेगा ओम्स की तरह, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वैल्यू है ये मेगा ओम्स होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है। और आपको मालूम है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, इन्फिनिटी तक है, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस जगह रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती जाए उस जगह जो करंट है वो मिनिमम हो जाएगा। अगर आपके पास मैक्सिमम जो है आपके पास रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर से जो करंट गुजरेगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस का फंक्शन ये है कि अगर आप इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज़ कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप इनपुट रेजिस्टेंस डालें, तो उसका बेसिकली फंक्शन ये होगा कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर से जो करंट है उसके पैसेज को ना होने दिया जाए, मतलब कि करंट अंदर से गुजरने ही ना दिया जाए। तो इस वजह से हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगा पहुँच होती है, जिसकी वजह से करंट जो है बहुत ही मिनिमम हो जाता है या नाकाबिले गुजर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इस तरीके से काम करे कि इसके अंदर से करंट गुजर सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से यूज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये हमारे पास वोल्टेज आउटपुट है, जो वोल्टेज हमें गेन होना है वी नॉट है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज होता है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज होता है, चाहे आप इसे इस तरीके से लिखें कि ये वी नेगेटिव है और ये वी पॉजिटिव है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वजह से करंट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर से फ्लो कर सके, तो उस रेजिस्टेंस को आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से वी नॉट के साथ लगा के अर्थ के साथ ग्राउंड कर देते हैं इस तरीके से, और इसे हम लोग कह देते हैं कि ये आर ओ है हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस। ये आर जो आर ओ है जो हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो जब इसकी वैल्यू कम होती है या ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल होती है, तो जब ये ज़ीरो होती है तो इस सर्किट के अंदर से जो गुजरने वाला करंट है वो आई नॉट मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि उसके अंदर से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम हो जाए, तो आपको जो आउटपुट रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे उस वक्त वो ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है तो गुजरने वाला करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के तौर पर यूज़ करते हैं, और अगर हमें करंट को नहीं गुजरने देना है तो हम लोग जो है इनपुट रेजिस्टेंस डाल देते हैं, और अगर गुजरने देना है तो हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस डाल देते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बार बार बात करें कि हमारे पास एक वोल्टेज गेन आ जाता है। वोल्टेज गेन जो है हमारे पास एम्पलीफायर के केस में हमें मालूम था कि हमारे पास ए वी इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई के इक्वल आया था, लेकिन जो है हमारे पास एम्पलीफायर के केस में क्या होता है कि ये हमारे पास जो वोल्टेज गेन आता है ये हमारे पास वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसकी रेशियो के इक्वल आ जाता है। क्योंकि हम लोगों ने बात की थी ना कि हमारे पास डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा वी आई था, इसे बेसिकली हम लोगों ने ए वी के इक्वल किया था, तो यहाँ पर भी बेसिकली यही चीज़ हमारी जो है वोल्टेज गेन के इक्वल आती है। ये वोल्टेज गेन की वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस केस में जहाँ पर आपके पास आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अगर आपके पास आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है तो आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी तक कभी नहीं जा सकती। इसके बाद एक और टर्म हमारे पास यहाँ पर आती है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ओपन गेन
वोल्टेज हमारे पास आ जाता है, यहीं से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ओपन लूप गेन है। इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि ये ओपन लूप गेन है। ओपन लूप गेन है जो इसे हम लोग AOL की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसके इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के साथ, यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं कि ये हमारे इनपुट के वोल्टेज के डिफरेंस के साथ आ जाता है और इसकी जो रेशो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10^5 के इक्वल आ जाती है। हम वोल्टेज, ये जो हमारे पास ओपन लूप गेन आता है ना, ये हम उस फॉर्म में बनाते हैं, उस कंडीशन में बनाते हैं जब हम अपने इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के साथ कोई भी इनपुट या आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते, कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते, कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते। तो उस सिचुएशन में जब हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके का अगर हमारे पास कोई है ना ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो हम कहेंगे ये हमारे पास ओपन लूप गेन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इनपुट रेजिस्टेंस या कोई भी आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर भी कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से इनके अलावा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की और कंडीशन भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फीडबैक कंडीशन है। फीडबैक कंडीशन के अंदर क्या होता है? फीडबैक कंडीशन के अंदर होता ये है कि हमारे पास जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरीके का होता है, ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ हम क्या करते हैं कि हम एक आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, हमारी एक रेजिस्टेंस होती है जिसे हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज के साथ और इनपुट वोल्टेज के साथ किसी भी एक टर्मिनल के साथ वो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाती है इस तरीके से। इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है। मतलब कि आपको मालूम है कि ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है और बेसिकली ये दोनों जो टर्मिनल है ये आपके पास इनपुट टर्मिनल है। अगर आप एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लेते हैं कि आप इनपुट टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल के साथ और आउटपुट टर्मिनल में से आपके पास जो कि आउटपुट पी नोड एक ही होता है इसके साथ इनपुट का कोई भी एक टर्मिनल अटैच कर दे और इन दोनों के दरमियान आप एक रेजिस्टेंस RF रखते हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी फीडबैक कंडीशन होती है क्योंकि आपने इसमें रेजिस्टेंस को इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया होता है। अगर तो आप इस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है तो ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये आपके पास इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये वी नोड है, अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं कि ये आपके पास वी आ रहा है, तो अगर आप इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि यहाँ से एक टर्मिनल लिया और यहाँ से एक टर्मिनल ले लिया, तो ये भी आपके पास फीडबैक कंडीशन आ जाती है जो कि पॉजिटिव फीडबैक कंडीशन आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास जो है फीडबैक कंडीशन नेगेटिव में भी आ जाती है और पॉजिटिव में भी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपके पास एक और टेक्निक भी आ जाती है जिसे आप कहते हैं कि आपके पास वर्चुअल ग्राउंड है। अब वर्चुअल ग्राउंड क्या चीज़ होती है? ये वाली चीज़ होती है कि अगर आपके पास आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप इस तरीके से बनाते हैं कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पे काम करता है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई चीज़ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगी, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पे, तो आप इसको इनपुट सिग्नल इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक तो हमें मालूम है कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात हो रही है, लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं वर्चुअल ग्राउंड की, तो इसमें हम लोग बाकी की कंडीशंस भी लगा देते हैं। जैसे कि ये हमारा वी नोड है, हम इसे फीडबैक भी प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम लोग जो है इसे फीडबैक भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारे रेजिस्टेंस RF है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दे देते हैं जिसे हम लोग R1 कह देते हैं, जो कि इनपुट वोल्टेज की रेजिस्टेंस है। बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड में क्या होता है कि हम लोग इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड तो करते हैं अपने VI को, यानी कि हमारे जो V नेगेटिव टर्मिनल है उसे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग ग्राउंड कर देते हैं हमारा जो V पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसे हम लोग अर्थ के साथ इस तरीके से ग्राउंड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो V पॉजिटिव है इसे ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होता, बल्कि नॉन जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है V नेगेटिव, ये ज़ीरो हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड है, जो कि हमें मालूम है कि अगर ओपन लूप हो कोई चीज़, अगर हम लोग ओपन लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, तो हमारे पास ओपन लूप जो गेन है, ओपन लूप गेन के थ्रू हमें मालूम है कि हमारे पास AOL जो है वो V नॉट डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव के जो है डिफरेंस के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव है और मुझे ये मालूम है कि ये जो AV है, AOL है, इसकी वैल्यू 10^5 होती है, मेरे पास एक वैल्यू है। अब चूँकि ये इतनी बड़ी वैल्यू है, वी नॉट जो है मेरे पास बहुत ही कम चीज़ आती है, बहुत ही कम आती है, तो इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो कह सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो V पॉजिटिव और V नेगेटिव है वो इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाती है।
तो चूँकि बेसिकली तो मेरे पास ये पॉजिटिव जीरो होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जाने के बाद ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, इसके बाद यहाँ पर चले जाएगा वी आई, तो वी प्लस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली तो हमारा वी पॉजिटिव जो है अर्थ के साथ हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या करते हैं कि इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इन्वर्टिंग टर्मिनल बजाय इन्वर्टिंग काम करने के, चूँकि हमारा वी पॉजिटिव ग्राउंड हुआ होता है, तो उसकी जो ग्राउंड की वैल्यू होती है बेसिकली उसको जीरो होना चाहिए, लेकिन उसके जीरो होने की जगह वी नेगेटिव जो है अप्रोक्सीमेशन के साइन के इक्वल, जो कि इक्वल आ जाते हैं, तो वो जीरो हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये वर्चुअल ग्राउंड है, मतलब किस चीज़ का वर्चुअल इमेज है। कि आपने पता है, आपको मालूम है कि अगर किसी चीज़ का इमेज बनाओ और उसकी जैसा ही इमेज बिल्कुल सामने बने, तो आप कह देते थे कि ये वर्चुअल इमेज है। सिमिलरली यहाँ पे वी पॉजिटिव की जो वैल्यू है वही वैल्यू वी नेगेटिव ने गेन कर ली, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वर्चुअल ग्राउंड है। मतलब कि बेसिकली तो ग्राउंड हमने वी पॉजिटिव को दिया है और उसे जीरो होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो वी नेगेटिव अटेन कर ली थी, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं दोनों चीज़ें। इसलिए हम लोग कहते हैं इस चीज़ को वर्चुअल ग्राउंड, जिसमें क्या होता है कि वी पॉजिटिव को हमने ग्राउंड किया होता है और वी नेगेटिव को हम लोग इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चूंकि अप्रोक्सीमेशन की वजह से दोनों इक्वल होते हैं, तो वी पॉजिटिव की जो ग्राउंड की वैल्यू होती है जीरो, वो वी नेगेटिव अटेन कर लेता है, और इसे हम लोग कहते हैं कि ये वर्चुअल ग्राउंड है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस तरीके से हम लोग जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, और ये हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है, ये हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज है, और ये हमारे पास वी नोड, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आना है उसकी वैल्यू है। अगर हम लोगों को कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करना हो एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास वी पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास वी पॉजिटिव है, इसे हम क्या करते हैं इसे सोर्स के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ हम अपने वी पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं, और वी नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं कि इसे बेसिकली हम लोग अर्थ के साथ ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वी नेगेटिव जो है वो परमानेंटली ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे, जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था, हम लोगों ने जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पर हम लोग इसे इसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, और ये हमारे पास वी नोट है। अब अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस फीडबैक का जो है मेथड अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को फीडबैक रेजिस्टेंस इस तरीके से अप्लाई करना पड़ती है कि इनपुट वोल्टेज के साथ और आउटपुट वोल्टेज के साथ इसके दोनों टर्मिनल को इस तरीके से कनेक्ट कर देना होता है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R2 हो जाती है या RF हो जाती है, और एक और रेजिस्टेंस जो है हम लोग अपने यहाँ पे वी नेगेटिव के साथ भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम लोग R1 कह देते हैं। तो बेसिकली सारा का सारा काम तो जो है हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर ही होता है, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी इस तरीके से बदल दी जाती है कि चूंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे पास वी इनपुट, उसे हम लोग वी पॉजिटिव के साथ प्रोवाइड कर देते हैं, और वी नेगेटिव को जो है हम लोग ग्राउंड कर देते हैं अर्थ के साथ, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है। अगर यहाँ पर भी मैं वर्चुअल ग्राउंड मेथड अप्लाई करूँ, तो मुझे वर्चुअल ग्राउंड मेथड के अकॉर्डिंग पता है कि वी पॉजिटिव जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वी नेगेटिव होता है, और वी नेगेटिव के अगर इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने वी पॉजिटिव को क्या किया है कि मैंने इसको इनपुट सोर्स के साथ प्रोवाइड कर दिया। अगर इसको इनपुट सोर्स के साथ प्रोवाइड किया है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि वी पॉजिटिव जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वी इंड्यूस है, तो वी नेगेटिव को भी मैं लिख सकती हूँ कि ये वी इंड्यूस के इक्वल है, यानी कि वी इनपुट जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसके इक्वल है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली लिख सकती हूँ कि वी नेगेटिव जो है वो वी इनपुट के इक्वल है, इसी तरीके से यहाँ पे जो वी पॉजिटिव है वो भी इक्वल है वी इनपुट के, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है ये चीज़ हमारे पास वी इनपुट है, और ये जो है वी नोड है, और इसे बल्कि वी इनपुट नहीं बल्कि वी नेगेटिव लिखना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो ये वी नेगेटिव हो गया, ये वी नोड हो गया। अगर मुझे यहाँ पर भी R1 रेजिस्टेंस के अंदर से करंट मालूम करना है, तो R1 रेजिस्टेंस के अंदर से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली ये जो R1 है ना, ये मेरे पास इंड्यूस्ड इनपुट है, यानी इंड्यूस्ड नहीं बल्कि हमारे पास जो है इनपुट रेजिस्टेंस है। ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी तक होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास I1 है वो जीरो के इक्वल होता है। लेकिन बेसिकली फिर भी हम लोगों को रिलेशनशिप निकालने के लिए यहाँ पर I1 के लिए मालूम करना ज़रूरी है कि I1 किसके इक्वल आता है। तो उसके लिए हमें मालूम है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास R1 रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R1 रेजिस्टेंस, तो उसे हम लोग किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, उसे हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास ग्राउंड की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेजिस्टेंस के अंदर जो है वोल्टेज जा रहा है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0
माइनस वी नेगेटिव, लेकिन ये जो वी नेगेटिव है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि ये जो है हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग हमारे पास वी इनपुट के इक्वल हो गया है, तो मुझे यहाँ पे वी आई लगा देना चाहिए डिवाइडेड बाय आर वन। तो ये चीज़ जो है मेरे पास माइनस वी आई डिवाइडेड बाय आर वन के इक्वल आ जाती है। जीरो इसलिए यूज़ किया चूँकि यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो था, चूँकि हम लोगों ने इसे ग्राउंड कर दिया हुआ था इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और दूसरी रेजिस्टेंस वो हम लोगों ने यूज़ किया है जो कि वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग हमारे पास इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो गई है वी नेगेटिव, उसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कि इन दोनों के रेशियो लेके आर वन से डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास आई वन करंट के इक्वल आ गया। अब हमें आर टू के क्रॉस भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि कितना है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मालूम होने के लिए हमें वी नेगेटिव माइनस वी नॉट का जो है डिफरेंस ले लेना चाहिए और इसे आर टू से डिवाइड कर देंगे, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करने वाला करंट आई टू हमें मालूम हो जाएगा। अब इस आई टू को मालूम करने के लिए मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आर टू रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा कि ये वी नेगेटिव और वी ओ का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे वी नेगेटिव एज इट इज़ ही और माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय मेरे पास आर टू आ जाता है। और इस वी नेगेटिव को हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कहा है कि ये वी इनपुट के इक्वल है, तो इसे मैं वी आई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर टू के इक्वल लिख सकती हूँ। अगर यहाँ पर भी मैं किरचॉफ ऑफ करंट रूल लगाऊँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि आई वन करंट जो है वो आई टू करंट के इक्वल है। आई टू करंट के बारे में तो मुझे मालूम है कि ये मेरे पास वी आई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर टू के इक्वल है। सिमिलरली मेरे पास जो आई वन है वो मेरे पास आ जाती है वी आई डिवाइडेड बाई आर वन। इस तरीके से ही मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ कि मैं ये आर टू को जो है इस साइड पे ले जाऊँ और आर वन के नीचे डिवाइड कर दूँ और ये वी वन को यहाँ ला के इनके नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये कि मैंने इस तरीके से इन दोनों की जगह जो है आपस में रिप्लेस किया, आपस में इन दोनों को जो है इंटरचेंज कर दिया, तो इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म से मैं आगे ये कर सकती हूँ कि मैं वी वन जो है ये वी वन इन दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इनको सेपरेटली इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि वी नॉट डिवाइडेड बाई वी वन, इस तरीके से इन्हें सेपरेट कर सकती हूँ। और ये किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, ये आर टू डिवाइडेड बाई आर वन के इक्वल आ जाता है। ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल आउट होकर यहाँ पे हमारे पास वन बच जाता है और वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई ये हमें मालूम है कि हमारे पास वोल्टेज गेन है। तो बेसिकली मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे पास जो रिलेशनशिप आया है वो कुछ इस तरीके से आया है कि ये मेरे पास आर टू डिवाइडेड बाई आर वन है और यहाँ पे मेरे पास वन माइनस जी है। तो मुझे जी के लिए रिलेशनशिप निकालना है तो मुझे जी को यहीं जी को जो है वहाँ ले जाना चाहिए और वन के साथ यहाँ पे माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन को ले आना चाहिए। तो इस तरीके से ही मेरे पास जो है वोल्टेज गेन आ जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर के मेथड के अंदर। लेकिन ये जो मैंने नेगेटिव साइन लगाया है बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव क्यों होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे एक माइनस साइन आता है जिसे हम लोग लगाना भूल गए, क्योंकि हम लोगों ने ये जब मेथड सॉल्व किया है तो जीरो माइनस वी आई आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस माइनस को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, लास्ट केस में भी हम लोगों ने निगलेक्ट नहीं किया था बल्कि बाद में जाके उसे कंसिडर किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस साइन रह जाता है और ये यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास वोल्टेज गेन आता है जो कि जी है, जो कि वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई के इक्वल है, वो इस केस में हमें वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन की फॉर्म में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वोल्टेज गेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर भी और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में भी।